विष्णुपद जिमें कि ना तो ही स्पष्ट है भगवान विष्णु के पैरों के निशाना कारण गया के इस मंदिर का ना पिया विष्णुपद जा अजिहा भी कहा जा सकता है कि गया च भगवान विष्णु के पैरों के निशाना उत्ते ही ये मंदिर बनाया होया है। विश्व भर च यह एक अजिहा मंदिर है जिथे भगवान के पैरों के निशाना की पूजा की जाती है। मंदिर की विशेषता इसनू अपने आप च विलक्षण बनाती है। मंदिर के शिखर से 50 किलो सोने का कलश ते 50 किलो सोने का झंडा स्थापित है। इस स्थान के गर्भगृह च 50 किलो चांदी का छत्र ते 50 किलो चांदी का अष्टहल भी मौजूद है। इस अष्टहल के अंदर ही भगवान विष्णु के पैरों के निशान मौजूद ने। इस तो अलावा यह गर्भगृह तिकोने आकार दा है ते इसका पूर्वी दरवाजा चांदी का बनया होया। इत्थे भगवान विष्णु के पैरों के निशान की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर है। मंदिर के अंदर गर्भगृह विच इन्हां पैरों के निशाना का शिंगार रक्त चंदन नाल कीता जांदा है। इस उत्ते शंख चक्र गदा ते पदकमल बनाए जांदे ने। सोने नूं किसण वाले काला पाषण यानी कि काले पत्थर नाल बने इस मंदिर की उचाई करीब 100 फुट है। सन 1800 ईस्वी की शताब्दी में महारानी अहल्याबाई होलकर जो गया क्षेत्र में आई यहाँ पे यात्रा के दौरान और विष्णुपद की जो अवस्था मंदिर की उन्होंने देखी उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर बनाने का। तब उन्होंने काला पाषाण जो यहाँ गया के निकटतम गांव पत्थरकट्टी है वहाँ के कारीगरों द्वारा काला पाषाण मंगा के उस मंदिर की संरचना करके एक विशालतम मंदिर विष्णुपद मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। 1 सितंबर तो श्राद्धा के तहत इतने पिंड दान की प्रथा शुरू हो गई है ते ए 17 सितंबर तक जारी रहेगी। इस समय देश विदेश तो लोग अपने पूर्वजों नूं मुक्ति दवाउण लई गया जी पुजदे ने। विष्णुपद मंदिर नूं धर्मशिला दे नां तों भी जाणिया जांदा है। पिंड दान दे लई विष्णुपद मंदिर दा महत्व इस गल तों ही समझिया जा सकदा है कि इत्थे पिंड दान करन नाल पूर्वजों नूं तां मुक्ति मिलदी ही है ते तर्पण तों बाद मंदिर च भगवान विष्णु दे चरणां दे दर्शन नाल ही इंसान दे कई दुखां दा नाश हो जांदा है। मंदिर दे सभा मंडप विच 44 थंम ने। पिंड दान दियां 48 वेदियां चों 19 वेदियां विष्णुपद मंदिर विच ही मौजूद ने। इत्थे साल भर पिंड दान हुंदा है। भगवान विष्णु ने अपने दाहिने चरण को गयासुर के वक्षस्थल पर रखा था तो गयासुर को कुछ प्रदान स्वरूप वर भी दिया था। उस वर में एक पिंड एक मुंड भी गयासुर ने याचना किया था कि एक पिंड एक मुंड इस स्थान पर प्रतिदिन होना चाहिए। तो पिंडदान अगर नहीं होता है या मुंड सबदाह नहीं यहाँ आता है तो गयासुर पुनः अपने स्थिति में आ जाएगा ऐसा श्रुतियों में। गयासुर दे ना तो इस स्थान दा ना पिया भगवान विष्णु ने इसे धरती ते गयासुर दा नाश कीता सी। अजिही मानता है कि पिंड दान करन नाल विछड़ी रूह नूं मुक्ति प्राप्त हुंदी है। नरात्यां तो पहला महालय दे समय च श्राद्धां दा समा आउंदा है। इस समय पिंड दान लई अनाज तिल जल दुध घ्यो शहद ते दीप ये 8 पिंड दे अंग कहे गए ने। अजिही मानता है कि गया च भगवान ब्रह्मा शिव अते विष्णु सने धर्मराज यम रहिंदे ने। भगवान विष्णु खुद पितृ देवता दे रूप विच इत्थे विराजमान हुंदे ने। भगवान राम ने माता सीता नाल मिलके इत्थे ही अपने पिता राजा दशरथ दा पिंडदान कीता सी। पिंडदान कई तरीकियां नाल कीता जा सकदा है। अनाज फल गुड़ केला खीर कई तरह दे पिंडदान कीते जा सकदे ने। ये पिंड गोलाकार क्यों हुंदे ने इस पिछे भी एक तर्क है। पिंड प्रकार पिंडदान अनेक प्रकार के होते हैं। ऊर्जेन मधुना पिवा दधि सम्मिश्रेन सक्तुना सक्तु से दे सकते हैं चावल से दे सकते हैं गुड़ और केला फल मिलाकर फलेनवा कंदमूल फल से भी दे सकते हैं आप पिंडदान। अन्न नैव विशेषतः आटा से भी देते हैं अन्न से विशेष अपने पवित्र दूध में खीर बनाकर पितरों को श्राद्ध करना पार्वण करना बहुत बड़ा महत्व है। अन्य नहीं विशेषता अंदर उत्पन्न होने वक्त ही गोलाकार से हुआ इस शरीर से छुटने वक्त ही जीव जीवो पुरुषो अंगुष्ठन के समाज से था नारायण उपनिषद में है उसी रूप से आया उसी रूप से चला गया करके गोल रूप से ही एक पिंड दान करते हैं। गया विच रसमयी फल्गु नदी भी मौजूद है। माँ सीता दे श्राप कारण इसका पानी धरती दे हेठा ही वगदा है इसलिए इस नदी नू अंतर सलीला भी कहा जाता है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण च मिलता है।
विष्णुपद मंदिर, फलगु नदी के कंडे ते अक्षयवट दियां वेदियां ते पिंडदान करना सब तो महत्वपूर्ण मन्या जांदा है। यही कारण है कि अज भी लोग अपने पूर्वजां दी मुक्ति लई पिंडदान करन गया जी आउंदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।